नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों ये है टाटा टियागो और मैकेनिक हमारे पास बैठे हुए हैं, इनकी कुछ प्रॉब्लम है। देखो चल दी ना? हाँ चल दी, सीधे चल दी अभी तो। देख लो थोड़े बहुत है वो। हाँ इसी को तो कह रहा हूँ, इसका ये नहीं होगी आपके पे हो जाएगी होने में तो। हाँ इसे ही कह रहा हूँ, और ना कहना कुछ भी वैसे कोई ना वैसे नहीं, ये जो लेफ्ट को जो छोड़ते के साथ ही निकल लेती है, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। देखो आप सीधी करो, अभी थोड़ी देर बाद तुरंत ही चल लेगी लेफ्ट को, मटक लेगी। छोड़ रखा है अभी तो जा रही है वो हो गया। देखो अब ये लेफ्ट को भाग लेगी, इसी एंगल पे चलना। रुको रुको, हाँ मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। अभी ये देखो, अब ये लेफ्ट को ही भाग लेगी। सुशीला पे चलाई नहीं, तुरंत ही लेफ्ट को भाग रही थी। चलो कोई नहीं, रोड की बात है, सिंगल रोड है ना, वो सिंगल रोड जो बीच में ऊंचा होता है। चलो ठीक है, तो जहाँ आप रखोगे अब वैसे है हल्की सी। हाँ पर मैं इसे ही कह रहा हूँ, जो ये भाग रही है, चाहे इसमें हवा की दिक्कत हो क्या हो वो आप देख लेना। बस ये लेफ्ट भागनी बंद हो जाए, ये वाली वो इसे ही कह रहा है। अच्छा। मैंने कहा ये एमआरएफ पे जाती सही हो जाएगी, मेन बात ये है ना। देखो फिर भाग ली, अब ज्यादा भाग ली है ना। तो चलिए दोस्तों कार को अब व्हील अलाइनमेंट मशीन पर लगा लेते हैं, वहीं देखते हैं। ट्रेनिंग थोड़ा सा देख के लगाना है इसका, तो दोस्तों गाड़ी व्हील अलाइनमेंट मशीन पर लगी हुई है और देखते हैं। स्टीयरिंग यहाँ पर सीधा है बिल्कुल, और इसकी रीडिंग की बात करें तो लगभग सही सी दिख रही है। तो गाड़ी को ऊपर उठा लेते हैं और फिर एक बार फिर रीडिंग देखते हैं। तो रीडिंग हल्की सी आउट है राइट की, इसे एडजस्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा इसकी वजह से भी पुलिंग कर रही होगी, हो सकता है। तो यहाँ से अलाइनमेंट को एडजस्ट करते हैं, टाई रॉड का नट लूज करके अलाइनमेंट सेट कर लेते हैं। तो अलाइनमेंट लगभग हो चुका है, अब देखें इसको चलाकर देखते हैं। तो दोस्तों लेफ्ट पुलिंग का थोड़ा सा कन्फ्यूजन हर गाड़ी में रहता है, क्योंकि हमारा जो रोड है वो हल्का सा लेफ्ट को टेपर में रहता है, और उस टेपर की वजह से थोड़ा सा गाड़ी हमारी लेफ्ट को पुल करती है। उसके बाद अगर जब हमारी गाड़ी में थोड़ी हवा कम हो जाए या टायर कोई एक टेंडेंसी बन जाए टायर के खींचने की, तो वही चीज़ हमें लेफ्ट में ज़्यादा लगती है कि हमारी गाड़ी लेफ्ट को पुल कर रही है, और वही इसमें हुआ है। कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, थोड़ा बहुत अलाइनमेंट आउट था, हो सकता है उसकी वजह से इस कार में प्रॉब्लम आ जाती है अलाइनमेंट की वजह से। लेकिन अब देखिए गाड़ी एकदम सीधी चल रही है, हाथ छोड़कर देखिए, हाथ छोड़ा हुआ है, ये छोड़ देता हूँ, यहाँ पर सीधा है। तो यहाँ पर स्टीयरिंग आपका सीधा है और गाड़ी देखिए लगभग सीधी चल रही है। तो ये कन्फ्यूजन सा रहता है हमारे दिमाग में एक, कि हमारी गाड़ी लेफ्ट को पुल कर रही है, जबकि ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत रोड के टेपर की वजह से होता है, कई बार हवा का कम ज़्यादा होना भी होता है, और कई बार हमारा थोड़ा जो टायर है वो उसकी टेंडेंसी थोड़ी इधर उधर बढ़ जाती है, तो वो टायर रोटेशन करके भी हो जाती है। लेकिन इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा अलाइनमेंट में हल्की सी प्रॉब्लम थी, हल्की सी आउट थी राइट से, हो सकता है इसीलिए थोड़ा सा पुल कर रही थी गाड़ी। तो इस तरह से अलाइनमेंट इसकी ओके हो चुकी है और गाड़ी अब सही चल रही है, देखिए हाथ छोड़कर। तो दोस्तों नॉर्मली वैसे इन गाड़ियों में प्रॉब्लम अलाइनमेंट की वजह से आती है, क्योंकि जो ये गाड़ी हैं इनका स्टीयरिंग इलेक्ट्रॉनिक होता है, और इसमें कई बार स्टीयरिंग कैलिब्रेशन की भी प्रॉब्लम आ जाती है, या स्टीयरिंग टेढ़ा होने से गाड़ी एक तरफ पुलिंग करने लगती है। तो अगर ऐसी ही प्रॉब्लम आपकी गाड़ी में है तो आप कमेंट करके भेज सकते हैं,
और या पर्सनली आप गाड़ी को दिखाना चाहते हैं तो नीचे फ़ोन नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप फ़ोन करके मिल सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं बनाता रहता हूं अपने चैनल अलाइनमेंट गुरु पर। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।